गाइस ये नेचुरली हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मौसम बाहर कुछ ऐसा है, आपको दिखाता हूँ। हल्के हल्के बादल हैं और ये मेरा रूम है, ये वरुण का, शायद सोया हुआ है, उठाते हैं इसको। चलोगे? चलो, मतलब पूरा तैयार हूँ, एक घंटे से पहले तैयार हूँ। एक घंटे से? हाँ, आज आपको नई जगह पे ले जाएंगे, विरार के एक मंदिर है हमारे सरकार ब्लॉगर के साथ। तो जैसे कि आपको वरुण ने बता ही दिया कि हम जा रहे हैं आज विरार, ये पड़ता है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ एक माता का मंदिर है, जीवदानी माता, और वो एकदम पहाड़ की चोटी पर स्थित है। लगभग 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर। यहाँ से हम बस पकड़ेंगे, बस से जाएंगे मलाड स्टेशन, मलाड स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ के जाएंगे सीधे विरार। सो गाइस, मलाड स्टेशन पहुंच चुके हैं, पहले लेनी है टिकट। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नाला सुपारा और 2-3 स्टेशनों का लाइव हमारा बिना है। एक स्टेशन के बाद 15 स्टेशन गिरा रहे चला गया। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जीवदानी माता मंदिर। ये है जीवदानी माता मंदिर, ये जो है ना पूरी चढ़ाई चढ़ के जाना है जहाँ पे, और जो ये एरिया है ये है रोप कार के लिए। शुरू हो चुकी है चढ़ाई। दो सौ स्टेप्स पूरे हो गए और इसकी बस हो चुकी है। मेरी नहीं हुई, ठीक है ना, खांसी फूल रही है। 250 नोट आउट। कितना कितना पूरा हो गया हमारा? ऑलमोस्ट 40 पूरा हो गया है। 40 पूरा हो गया। और धूप है नहीं तो भी हम पसीने आ रहे हैं। धूप नहीं है, थोड़ा तो अच्छे मौसम में आए हैं तब इतनी बस हो रही है। हाँ, और अच्छा है कि हम इसी दिन निकले, अगर धूप में निकलते हैं ना तो इससे भी ज़्यादा हलट टाइप हो जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आवाज़ ना कैमरा में कुछ खास कैप्चर नहीं हुई, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था मंदिर के इतिहास के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं जो मंदिर के इतिहास को लेकर प्रचलित हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था अपने अज्ञातवास के दौरान, और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इस मंदिर के आसपास जो है जीवन को प्रदान करने वाली जड़ी बूटियां मिलती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम जीवदानी माता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है वो ये है कि एक ना चरवाहा था, वो बेचारा बहुत गरीब था, वो लोगों की गायें वगैरह चराकर वो अपना गुजारा करता था। बदले में लोग उनको अन्न देते थे या फिर थोड़े बहुत पैसे देते थे जिससे उसका गुजारा चलता था। तो उसने नोटिस किया कि एक गाय ना हर रोज़ शाम को चोटी पर जाकर गायब हो जाती थी। तो उसने अगले दिन उसका पीछा किया, उसने देखा कि जब वो चोटी पर पहुंचा ना तो उसने देखा गाय तो वहीं पर है और साथ ही उसके एक स्त्री मौजूद है। तो उसने बोला कि क्या ये गाय आपकी है? तो स्त्री बोली हाँ मेरी है। तो बंदा बोला ठीक है, मैं आपकी गाय चराता हूँ, मुझे बदले में इसका मोल दो। तो स्त्री बोली ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ। बंदे ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथ कोयले से भर दिए।
तो बंदे का गुस्सा आ गया, उसने कोयले नीचे फेंक दिए। तो जब उसने सामने देखा तो वो स्त्री और गायें दोनों गायब थी। तो वो अपने गांव चला गया वापस और गांव में सबको ये बात बताई। तो गांव के किसी बड़े बुज़ुर्ग ने उसको बताया कि ये कोई आम स्त्री नहीं हो सकती, ये ज़रूर कोई देवी माँ ही थी जिसने तुम्हें दर्शन दिए। तो अगले दिन से उस बंदे ने वहाँ चोटी पर जाकर पाठ पूजा करनी शुरू कर दी। कोशिश करूँगा पुजारी जी से बात करने की और उनसे इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की। फिलहाल आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, रास्ता सिकुड़ता जा रहा है। अभी हालत पता क्या है, सांस ना पेट तक जा नहीं रही, जहाँ तक जाती है फिर बाहर, जहाँ तक जाती है फिर बाहर। ये मेन मंदिर नहीं था, मेन मंदिर है आगे, ठीक है। ये रास्ते में ऐसे कोई मंदिर बने रहते ना, छोटे छोटे मंदिर, वो था। हाँ भाई, जिंदा हो? जिंदा है, जिंदा। गाइस फाइनली 1000। सो गाइस प्रसाद भी ले लिया माता देखने के लिए, ले लिया प्रसाद, प्रसाद लेके चलते हैं मंदिर। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोगों ने चुनरी से पूरे पूरे वर्ड ही बना दिए, SASADB, पता नहीं क्या क्या लिख दिया पूरा। एक छोटा सा मंदिर ऊपर भी है। किस्म के तोते, कबूतर वगैरह सब कुछ है। ये देखो कितना बड़ा तोता है, वो देखो एक और आया। पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये बेचारा, हो रहा है। तो ये पता नहीं लोगों ने जो प्रसाद खरीदा था वो इधर बांधा हुआ है, पूछना पड़ेगा किसी से क्यों बांधा है। मैं बताता हूँ, प्रसाद मेरी मनोकामना रखी है कि मैं आपको प्रसाद खिलाता हूँ, प्रसाद से आप मेरी मनोकामना पूरी करो। जो मनोकामना है मैं प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद भी दे रहा हूँ, फूल भी दे रहा हूँ, तो इसमें उन्होंने बांध दिया होगा। तो गाइस मेरे पीछे जो पत्थर है ना, लोग पैसे चिपका रहे हैं इसके ऊपर कॉइन। मान्यता है कि जिसके जिसका कॉइन चिपक गया ना उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। जो मेन मंदिर है ना, जीवदानी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, उन्होंने मना कर दिया। अभी गाइस नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके सबसे पहले लेनी है चप्पल, फिर खाना, बहुत भूख लग रही है। नीचे आते आते टांगे कांपने लग गई, चलते चलते सांसें फूल रही थी, आते आते पांव कांप रहे थे, इससे थोड़ा टाइम रुके हैं हम जा। अभी हम बैठे थे ना नीचे, करीब 10-15 मिनट बैठे हम, अभी
10-15 मिनट हम लोग बैठे नीचे, तो बॉडी होगी ठंडी, अभी चल रहे हैं दोबारा तो ज़्यादा पेन हो रहा है, गलती कर ली गाइस, ये नेचुरली हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। चलते चलते हालत ठीक है। सो गाइस फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, नीचे आ गए, अभी हमारा सारा ख़त्म, चप्पल लेते हैं, यात्रा ख़त्म। लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी लंच आ गया है गाइस। अभी तो यार बोरीवली पहुँचे हैं, 4:17 हो गए, बारिश स्टार्ट। मैंने इसको बोला छाता ले आना, छाता लेके नहीं आया। फाइनली बस में बैठ गए, अभी डायरेक्ट रूम पे जाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अभी अभी वापस आया हूँ, और ये भी भाई साहब भी मेरे साथ ही हैं। अभी हम घर आ चुके हैं और बहुत थक गए थे, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, घूमना, बारिश, फिर उधर का व्यू, उधर का मंदिर, मंदिर थोड़ा सा कैप्चर किया लेकिन बहुत मजा आया उधर, जो देखने का, उधर तोते स्पेशली तोते दिखाना तोते अलग अलग रंग के तोते, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। जो मेन मंदिर की मूर्ति है ना, जो माता की मूर्ति जहाँ पर स्थापित है, वहाँ उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, एक्सप्लोर किया अच्छे से जितना भी हो सका। तो फिलहाल यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। 6 बज गए हैं, हम 2 बजे निकले थे, 10 बजे निकले थे यहाँ से। हाँ 10 एडिट कर देंगे, ठीक है।